हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सो फाइनली दिस इज मॉक टेस्ट फोर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज कुछ एरर था तो इसलिए मॉक टेस्ट फोर अपलोड नहीं हो पा रहा था एंड जो मॉक टेस्ट थ्री में बाय मिस्टेक टेन क्वेश्चंस रह गए थे वो मैंने इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दिए हैं तो टोटल वन सिक्सटी क्वेश्चन है वन फिफ्टी फ्रॉम मॉक टेस्ट फोर एंड टेन क्वेश्चन फ्रॉम मॉक टेस्ट थ्री नाउ इस वीडियो में फिफ्टी क्वेश्चन फ्राम जनरल नॉलेज के रहेंगे पहले एंड देन इंग्लिश एंड साइंस ओके okay, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी एंड टाइम बहुत लिमिटेड है तो जल्दी से एक बार मॉक टेस्ट फोर देख लो एंड मे बी मॉक टेस्ट फिफ्थ में अपलोड कर सकती हूँ सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज कंप्यूटर में जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी थी करेक्ट आंसर इज़ फोरटीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई बैरोमीटर विच मेजर्स प्रेशर दिस इज इन्वेंटेड बाई टॉरी आपको सिर्फ टॉरी याद रखना है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन कंचनजंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन ऑन राइनो एंड इट इज़ इन सिक्किम ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर सिक्किम के बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये एक पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है एंड ओपन डेफिकेशन फ्री भी है पहला स्टेट सिक्किम क्वेश्चन नंबर फोर द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट तो कर्मा एक फोक डांस है ऑफ मध्य प्रदेश ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हॉलीवुड इज़ लोकेटेड इन हॉलीवुड इज़ इन यू एस ए कैलिफोर्निया ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया दिस आई ऑलरेडी कवर्ड इन जी के सीरीज सो यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बोथ लॉन्गेस्ट भी बताना है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है क्वेश्चन नंबर सेवन हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अरविंद कुमार सो अरविंद केजरीवाल से आप याद रख लेना जो प्रेजेंट आईबी के डायरेक्टर हैं दैट इज़ अरविंद कुमार ठीक है एंड सी के डायरेक्टर हैं राजीव महर्षि सुमंत कुमार भी किसी नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं ये आपको कमेंट में बताना है फाइंड करके एंड टी बी राधा कृष्णन ये तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हैं टी बी राधा कृष्णन क्वेश्चन नंबर एट बैटल ऑफ पा पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड करेक्ट आंसर इज़ इब्राहिम लोधी तो ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी जो के बीच में जो युद्ध हुआ था बिटवीन इन ईयर फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर नाइन वेन वॉज द इंडियन नेवी एक्ट पास्ड करेक्ट आंसर इज 1957 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेवी एक्ट पास नाइनटीन एंड जो इंडियन नेवी के जो हेड हैं एडमिरल करमवीर सिंह क्वेश्चन नंबर टेन पुलिटर प्राइज वॉज़ इस्टेब्लिश्ड इन सो जो पुलिट्जर प्राइज है इट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था सो द करेक्ट आंसर इज़ नाइनटीन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 1917 से आपको याद रो, याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था कि जो बाफ्टा में जो फिल्म अवार्ड है बाफ्टा उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो 1917 को ही मिला है राइट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर इज़ नो लिमिट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर देर इज़ नो लिमिट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु वॉन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी ये तीन दिन पहले की न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है मे भी आ सकता है बट अब तो ये पेपर बन गया होगा तो नहीं आएगी आ, फिर भी आप याद रख लो आ, आपको दो हजार उन्नीस का तो याद रहना रहना चाहिए जो दो हजार उन्नीस का जो मैन बुकर प्राइज है वो किसे मिला है और दो हजार बीस का मिला है आ, दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मेरी की ल्यूस रिजन बिल्ड इनकी जो बुक है द डिस्क द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इसके लिए मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 एंड 2019 का मिला है सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए मे बी आई एम नॉट कन्फर्म आप एक बार चेक कर लेना 2019 के लिए जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है वो किसे मिला है क्योंकि जो मैन बुकर प्राइज़ है 2019 का सिर्फ मैन बुकर प्राइज़ वो मिला है मार्गेट एडवुड एंड बर्नीडा एवरिस्टो ठीक है एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज यू हैव टू कमेंट मी द कमेंट बॉक्स टू थाउजेंड नाइनटीन का किसे मिला है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिलियन म्यूटनीज नाव इस बुक का पूरा नाम है इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाव तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैन बुकर अवार्ड ही हैं इंडिया के हैं वी एस नाइपॉल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इनको इनकी नोवल द इन अ फ्री स्टेट इसके लिए मिला था मैन बुकर प्राइज तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वी एस नायपॉल वॉन द मैन बुकर प्राइज फॉर द नोवल इन अ फ्री स्टेट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 जो सिपरी रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द सिपरी रिपोर्ट 2020 इंडिया की रैंकिंग क्या है मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब मिलिट्री खर्चे में इंडिया कौन से स्थान पर है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थर्ड पहला है यूएसए सेकंड चाइना एंड थर्ड इज़ इंडिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन केस ऑफ एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ आफ्टर एवरी अगर नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में से कोई भी इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है देश के अंदर तो कौन सा कितने महीने के बाद जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो बार बार देना पड़ता है तो इसका करेक्ट आंसर है एवरी सिक्स मंथ ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन करगिल वॉर फॉर्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच वियर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नाइनटीन नाइनटी नाइन एंड मैंने आपको बताया था करगिल वॉर मेमोरियल इज इन द्रास जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अर्थ इज़ द डैश लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम तो अर्थ की जो पोजीशन है एरिया वाइज वो कौन सी है फोर्थ ऑप्शन सॉरी फिफ्थ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नॉट फोर्थ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आर सोलर सिस्टम क्वेश्चन नंबर एटीन वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर्स इन इंडिया इज़ कंडक्टेड बाई जो हर दस साल बाद जो सेंसस होते हैं जिसे हम बोलते हैं जनगणना तो वो इंडिया के अंदर किसके थ्रू कंडक्ट कराई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है जर, रजिस्ट्रार जनरल और द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्रेसिडेंट ऑफ यू जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हैं रिसेंट में अभी कौन है यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट तो इसका करेंट आंसर है ऑप्शन डी तिजानी मोहम्मद बंदे ओके okay, एंड जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटरस तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है एंटोनियो गुटरस इज़ द जनरल सेक्रेटरी यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं एंड तजानी मोहम्मद बंदे ये प्रेसिडेंट हैं विजय लक्ष्मी पंडित कौन है ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली के लिए ठीक है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यू जनरल असेंबली एंड थे पहले यू जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु जनरली रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल बजट इन इंडिया पार्लियामेंट कौन जो है फाइनेंस बजट रिप्रेजेंट करता है इंडियन पार्लियामेंट में तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर एंड अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर इज पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया सी वैसे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो गंगा से बड़ी है बट जो गंगा है वो इंडिया में ही ऑरिजिनेट होती है इसलिए इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर है गंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री नेम द फर्स्ट इंडियन हु बॉर्न हु गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स पहले इंडियन जिन्होंने नोबल प्राइज़ जीता है फिजिक्स में तो इसका करेक्ट आंसर है सी वी रमन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था तो इसलिए ट्वेंटी एट फेबरी को हम नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वो इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो कौन है इंडिया के करेक्ट आंसर इज़ किरण रजीजू ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट बाकी मिनिस्टर्स भी आपको याद होने चाहिए क्लियर तो लास्ट में जब हम इस एग्जाम के दो तीन दिन रह जाएँ तब अच्छे से याद कर लेना क्योंकि याद भी रहेगा तो लास्ट मोमेंट पे याद करना सी एम गवर्नर्स एंड दिस कैबिनेट मिनिस्टर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओडिशाज वर्ल्ड फेमस कोनाक सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नरसिम्हन देव ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जो उड़ीसा का जो कोनाक टेम्पल है उसे हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं तो ये भी पूछ लिया जाएगा ब्लैक पगोड़ा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नेपाली इज द प्राइमरी स्पोकन इन विच स्टेट जो नेपाली लैंग्वेज है वो किस स्टेट में बोली जाती है करेक्ट आंसर इज सिक्किम क्योंकि सिक्किम नेपाल के पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इज कॉस्मोलॉजी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हु फर्स्ट वुमेन परेड एडजिटेंट फॉर द रिपब्लिक डे परेड सी जो 2020 थाउजेंड में मे बी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में कि पूछा गया है पहली वुमेन परेड एडजेटेंट जिन्होंने मेल कंटेंजेंट को लीड किया था 2019 अगर पूछा जाए 19 रिपब्लिक डे परेड में किसने मेल कंटेंजेंट को लीड किया है तो फिर इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस आई थाट की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एम एग्जाम के लिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी है काफ़ी सारे बच्चों को एंड जो मेजर खुशबू कन्वर हैं ये पहली फीमेल हैं जिन्होंने असम राइफल्स लीड की थी ठीक है रिपब्लिक डे का परेड में ही तो 2019 रिपब्लिक डे परेड में ये दो वुमेन बहुत न्यूज़ में थी भावना कस्तूरी जिन्होंने मेल कंटेंजेंट लीड किया था एंड खुशबू कन्वर असम राइफल्स लीड की थी लेकिन 2020 आर्मी डे यहाँ पर रिपब्लिक डे नहीं आएगा आर्मी डे परेड में फर्स्ट वुमेन परेड एडजेंट कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन तानिया शेरगिल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आई होप ट्वेंटी एट आपको क्लियर हो जाएगा अगर नहीं है तो कमेंट में पूछ लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा में जो फिक्स्ड मेंबर हैं वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम करेक्ट आंसर इज टू फिफ्टी Question number 30. What does the wheel in the national flag represent? Correct answer is growth. Option C is the correct answer. And white color piece ko represent karta hai? Green for prosperity and saffron is for bravery. I think bravery. Question number 31. Which bill cannot originate in Rajya Sabha? So the correct answer is option D money bill. Money bill cannot originate in Rajya Sabha. Question number 32. Which state in India receives the highest rainfall? This is very simple question. Correct answer is Meghalaya. Question number 33. Who won the Sportsman of the Year award 2020? Again important question. Is year, though... स्पोर्ट्स मैन हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है फर्स्ट इज लुस लियन सॉरी लियोनल मेसी एंड सेकेंड इज लुइस हैमिल्टन ठीक है लुइस हैमिल्टन एंड लियोनल मेसी लुइस हैमिल्टन एंड लियोनल मेसी इन दोनों ने जीता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड लेकिन अगर 2019 से पूछा जाए कि 2019 का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है स्पोर्ट्स मैन ऑफ़ द ईयर अवार्ड सॉरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर नोवाक जोकोविच ठीक है तो ईयर आपको याद रखनी है नहीं है बिकॉज दो साल का जो करेंट अफेयर है वो कलेप्स होगा आपसे 2019 के भी याद करने हैं एंड 2020 का भी तो ईयर को भी आपको ध्यान में रखना है जैसे ऑस्कर अवार्ड है 2019 एंड 2020 बोथ ईयर के आपको इंपॉर्टेंट हैं याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एलोरा सॉरी एलोरा केव्स इज इन तो इसका करेक्ट आंसर है एलोरा एलोरा केव्स कहाँ पर है करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच मूवी वॉन द बेस्ट ड्रामा एट द ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज नाइनटीन सेवेंटीन ऑप्शन बी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो बाफ्टा अवार्ड है वो भी नाइनटीन सेवेंटीन ने ही जीता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डैश इज एन इंडिजीनियसली लाइट कॉम्बिट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया कौन सा है जो इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में डेवलप किया गया है करेक्ट आंसर इज तेजस ऑप्शन सी दिस इज तेजस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ तो जो टीपू सुल्तान है ही वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द फेमस बिंदेश्वर बृद्धेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तंजावर नाउ यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इन विच स्टेट दिस तंजावर और वी कैन से बृद्धेश्वर टैम्पल लोकेटेड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ करेक्ट आंसर इज पेश ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड तो इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक जो रिंग है जो ओलंपिक रिंग है उसमें पांच रिंग आती हैं जो ईच फाइव कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं बाय डिफरेंट कलर्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है तो ये जो पांच रिंग है तो आप इससे डेज याद कर याद कर सकते हो जैसे ये जो पांच रिंग्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं तो जून से हो गया जुड़ी हैं ये आपस में एंड कितनी रिंग्स हैं पाँच दो नीचे एंड तीन ऊपर हैं तो टोटल हो गया ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री एंड जुड़ी हैं तो जून तो दिस इज़ वेरी इजी टेक टू लर्न इंटरनेशनल ओलंपिक डे ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव करेक्ट आंसर इज फोटीन टोटल फोर्टीन शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट आंसर इज हिंदी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दिस ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नाइनटीन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी वो इंग्लिश है बट अब ट्वेंटी ट्वेंटी में वो है चाइना ठीक है चाइनीज है ट्वेंटी ट्वेंटी की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नेक्स्ट फोर्टी थ्री फेमस खजराव ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज इन विच स्टेट तो अजंता एंड एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में वेयर एज जो खजराज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो है मध्य प्रदेश ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सैंग इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हरियाणा सी गईज मैं तो जल्दी जल्दी करा रही हूँ अगर आपको टेस्ट करना है अपने आप को तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हो राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल इटो प्रोटोकॉल एंड मॉनिटरी प्रोटोकॉल दोनों डिफरेंट हैं जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है दैट इज टू कंजर्व ओजोन लेयर ठीक है एंड जो काइटो प्रोटोकॉल है इज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा क्वेश्चन फोर्टी सेवन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द हार्डनेस सब्सटेंस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ड्यूरोमीटर मतलब ऐसे याद रख लो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए कि वो कितने देर तक कितने समय तक चल सकता है वो हार्डनेस जो पता लगाएगा वो है ड्यूरोमीटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट बुलंद दरवाजा वॉज बुलट बाय करेक्ट आंसर इज अकबर एंड जो रेड फोर्ट है सॉरी जो आगरा फोर्ट है ट इज ऑल्सो बिल्ट बाय अकबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन दूरदर्शन वॉज फाउंडेड इन विच इयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नाइनटीन फिफ्टी नाइन लास्ट जीके से क्वेश्चन बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ करेक्ट आंसर इज थाईलैंड बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इन इसकी करेंसी है करेंसी है भाट बी एच एटी भाट नाओ इंग्लिश से क्वेश्चन फर्स्ट फाइव क्वेश्चन फ्रॉम एंटोनियम्स फर्स्ट इज एंटोनियम आपको बताना है अपोजिट मीनिंग ऑफ हैम्ड्रम हेमड्रम का मैंने आपको मीनिंग बताया था सिनोनियम्स वाली वीडियो में कि जो हैमड्रम का मतलब होता है वो होता है टीडियस और मोनोटोनस टीडियस मोनोटोनस डल ठीक है तो ये सारे मीनिंग हैं ड्रम के तो इसका करेक्ट अपोजिट हो जाएगा फैसिनेटिंग ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड सिनोनियम इज़ टीडियस फिफ्टी टू फिफ्टी टू है सेलिबेट सी ई एल आई बी ए टी ई ठीक है सेलिबेट की भी स्पेलिंग आपको याद रखनी है तो सेलिबेट का मीनिंग क्या है सेलिबेट का मीनिंग है दैट uh, चेस्ट मतलब अनमैरिड ठीक है इसका मतलब होता है अनमैरिड सिनोनियम हो जाएगा चेस्ट एंड अपोजिट इज़ वट वी कॉल्ड अपोजिट अपोजिट बी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कस ठीक है कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सेक्रेट सेक्रेट का मतलब होता है प्योर होली होली सॉरी रिलीजियस ठीक है गॉडी और वी कैन से इसका जो सिनोनियम्स है वो हेलोड भी है जिसका मतलब रिलीजियस होता है होली एंड इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्रोफेन और नॉन रिलीजियस इसमें जो फेमस है प्रोफेन का सिननियम वो है टेम्पोरल टेम्पोरल और नॉन रिलीजियस ठीक है फिफ्टी फोर आउटलैंडिश का मतलब हो गया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक है आउटस्टैंडिंग सॉरी आउटस्टैंड आउटलैंडेश का मतलब हो गया क्यूर सॉरी क्यूर का मतलब होता है स्ट्रेंज फॉर फॉर आउट ठीक है जो अजनबी लाइक क्यूर तो इसका जो सिनोनियम है जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा कॉमन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फिटिगिटी एफ आई डी जी ई टी वाई फिटिगिटी का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है नर्वस होना ठीक है अनस्टिल अनईजी ठीक है और इसके जो सिनोनियम है एन टी सी भी है इसके सिनोनियम से ये दोनों इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो होगा कंपोज कम्पोज का मतलब होता है काल ट्रैंक्ल रिलेक्स्ड ये सब इसके सिनेम्स हैं नाउ सिनेम सिमिलर मीनिंग आपको बताना है एमिनेंट एमिनेंट का मतलब होता है विख्यात ठीक है तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रिनाउंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑब्सक्योर का मतलब हो गया अनक्लियर ठीक है डाउटफुल ऑब्सक्योर फिनोमिनल ये जो ऑप्शन डी है फिनोमिनल का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड जो रिनाउंड है उसमें तो डिफरेंस है ना तो इम्पोर्टेंट है ये फिफ्टी सेवन स्नैच मतलब छीनना पुल करना किसी चीज को तो इसका सिरेनियम हो जाएगा व्रेच ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कन्फर का जो मतलब होता है ऑप्शन सी में जो कन्फर है कन्फर का मतलब टॉक कम्युनिकेट फिफ्टी एट एस्टोनिश्ड एस्टोनिश का मतलब अमेज और वी कैन से सरप्राइज तो इसका सिनेम हो जाएगा ओवर व्लेम मुंडेन का मतलब भी होता है टिडियस ये इंपॉर्टेंट है वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये मुंडेन मुंडेन मतलब टिडियस काल में भी बताया कंपोस्ट फिफ्टी नाइन गाउडी गाउडी का मतलब होता है शोही ज्यादा दिखावा करना शोही इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है गाउडी क्लियर और वी कैन से जो लाउड है लाउड ल्यूरिड एंड गाउडी ये सारे सिनोनियम्स हैं इसके बेडी सॉरी बेडीवल बेडिवलमेंट तो बेडिवेलमेंट का जो करेक्ट सिनोनियम है वो है बीसेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिसेट इसका जो बेडिवेलमेंट का जो करेक्ट जो मीनिंग है वो होता है हरासमेंट या मोलाइस्ड करना ठीक है तो इसका सिनोनियम हो जाएगा बीसेट ना आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है फोर ऑप्शन जो आपको गिवेन है सिक्सटी वन देखो आपको रजिस्ट्री की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है आर ई जी आई एस टी आर वाई तो कन्फ्यूज़न आपको आर ए एंड आर ई में हो सकता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आर ई आएगा आर ई जी आई एस टी आर वाई रजिस्ट्री एंड मैंने आपको ट्रूली की स्पेलिंग टी आर यू ई एल वाई बताई थी वो गलत है एक्चुअली जो ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग है वो है टी आर यू एल वाई टी आर यू एल वाई ट्रूली ओनली ई नहीं आएगा इसमें ठीक है देन मोबिलिटी ये तो सिंपल है मोबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन बी एम ओ बी आई एल आई टी वाई ई नहीं आएगा इसमें मोबिलिटी में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री सिग्निफिकेंस तो जो सिग्निफिकेंस की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एस आई जी एन आई एफ आई सी एन सी सिग्निफिकेंस पार्टिक्युलर पर्टिकुलर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है पर्टिकुलर की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन बी दैट इज पी ए आर टी आई पार्टिक्युलर ठीक है पीई नहीं आएगा पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अप्रोच अगेन इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है अप्रोच अप्रोच में आपको याद रखना है डबल पी आएगा ठीक है ए डबल पी आर ओ ए सी एच अप्रोच ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अप्रोच नेक्स्ट ईडीएम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स का जो करेक्ट फ्रेज का मीनिंग है फ्रेज दी गई आपको स्कॉट फ्री स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना पनिशमेंट के मतलब बिना पनिशमेंट मिले छूट जाना ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टू एस्केप फ्रॉम कैपिटिविटी पनिशमेंट से बचना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन टू फेस द म्यूजिक इंपॉर्टेंट है ये टू फेस द म्यूजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपने गलती की है उसको भुगतना तो टू बियर द क्रिटिसिज्म ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सिक्सटी एट एड फ्यूल टू द फायर एड फ्यूल टू द फायर इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट बनाना तो टू कॉज अ सिचुएशन टू बिकम वर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इज अ स्लैप ऑन द विस्ट वर्स्ट मतलब जो कलाई तो कलाई पर मारना वो भी स्लैप करना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइल्ड पनिशमेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बहुत छोटा सा पनिशमेंट देना माइल्ड पनिशमेंट देना दैट इज़ अ स्लैप ऑन द वेस्ट लास्ट ईडीएम एन फ्रिज से सेवेंटी अगेंस्ट द क्लॉक इम्पॉर्टेंट ये भी अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हो गया किसी चीज़ को बहुत जल्दी करना डेडलाइन से पहले या किसी टाइम से पहले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू डू फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ डेड लाइन देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिगेट ठीक है इरिगेट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर सेवेंटी टू अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ पर मुर्दा घर मतलब सॉरी जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं दैट इज नोन एज सिमिट्री तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सिमिट्री में एंड सिमिट्री में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सिमिट्री का मतलब होता है डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ ठीक है एंड सिमेट्री इज द ब्यूनल ब्यूरनल ग्राउंड सेवेंटी थ्री अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन सी डिफरेंट इसमें देखो आपको पता करना है अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन एंड अ मैन हु डू एवरीथिंग फॉर द वुमेन तो ऐसे मैन को जो वुमेन के लिए कुछ भी करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट बट द क्वेश्चन इज अ मैन हु इज क्वाइट लाइक वुमेन जो मैन वुमेन की तरह दिखता हो दैट इज नोन एज एफिमिनेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी फोर आ को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन तो ये सबको पता होगा कलीग बोलते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कलीग सेवेंटी फाइव वन हु मोटिव इज मियरली टू गेट मनी जिसका जो मोटिव है सिर्फ मनी कमाना पैसा कमाना है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं मर्सिनरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है मर्सिनरी पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस पॉलीग्लॉट प्रिपोजिशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर फोर सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट प्लेटफॉर्म नंबर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी सेवन द एग्ज़ामिनेशन विल बींग डैश मंडे तो जबी भी डेज़ हम यूज़ करते हैं तो प्रपोजिशन डेज के साथ हमेशा ऑन यूज़ होता है एंड जो ईयर है उसमें हम इन यूज़ करते हैं वेयर एज जो एट है एट हम यूज़ करते हैं ये टाइम के लिए तो एट हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे जब भी हम टाइम से टाइम आएगा तो इसमें हम मंडे दे रखा है डे दे, दे रखा है तो हम ऑन यूज करेंगे द एग्जामिनेशन विल बी ऑन मंडे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी एट शी सीम्स कर्ज डैश बैड लक तो कर्स्ड मतलब अभिशाप तो शी सीम्स कर्स्ड विद बैड लक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी नाइन स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड डैश इंडिया इंपॉर्टेंट है इराडिकेट के बाद फ्रॉम आता है द स्मॉल बॉक्स इंडिया तो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्वेश्चन नंबर एट्टी आई कॉम्प्लीमेंट हिम डैश हिज सक्सेस तो दिस आई ऑलरेडी कवर्ड इन इंग्लिश मॉक टेस्ट आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस वर्ड एंड क्लॉज से क्वेश्चन फिल इन द वर्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना है एट्टी वन बिसाइड्स बींग रिप्यूटिटेड ही इज़ फेमस फॉर तो इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमिलिटी हॉस्टिलिटी और ह्यूमिलेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ह्यूमिलिटी ह्यूमैनिटीज तो सोशल स्टडीज स्ट्रीम होगी एटी टू पुअर कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स आपको मीट की स्पेलिंग अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली आंसर कर दोगे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अ पुअर कैन हार्डली मेक बोथ एंड मीड्स मतलब दिन का गुजारा हफ हाँ दो जो दो आ, समय की रोटी है वो जुटाना मुश्किल हो गया है तो इसका मतलब होता है हार्डली मेक बोथ एंड मीड्स एटी थ्री द डैश ईशू ऑन इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग तो लेटेस्ट आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द लेटेस्ट इशू ऑन इंडिया ज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर एटी फोर डैश इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एटी फाइव सिल्क वम्ब्स लाइक डैश ऑन लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्क वॉम्ब लाइक

तो शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर एस एंड ए आर आई ए का साउंड हिंदी लेटर वॉबल का एन जो होता है हम यूज़ करते हैं वॉबल से तो शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एटी सेवन आई हैव बीन राइटिंग फॉर एन आर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर अगेन इसमें एन आर आई ए एटी एट ट्वेल्व इंचज मेक डैश फूट ट्वेल्व इंचज मेक्स अ फुट मतलब वन फुट ना इसलिए अ फुट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एटी नाइन ही गेव मी डैश पीस ऑफ वर्क टू डू ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू नाइंटी ही गेव मी डैश एडवाइज तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही गेव मी एन एडवाइज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइंटी वन फ्रॉम कंजक्शंस आई विल इल डैश आई डोंट गो टू वर्क सो द करेक्ट आंसर इज आई वॉज़ इल सो आई डोंट गो टू वर्क मैं बीमार था इसलिए मैं काम पर नहीं गया नाइंटी टू वी विल गेट देयर डैश यू डू वी विल गो देयर एज सून एज यू डू नाइन्टी थ्री आई एम नॉट एंग्री डैश एनी थिंग आई फील अ लिटिल सरप्राइज आई एम नॉट एंग्री ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्चुअली एग्री एंग्री नहीं आएगा एग्री आएगा आई एम नॉट एग्री मैं तब तक एग्री नहीं होता जब तक कुछ अच्छा या सरप्राइजिंग कुछ ना फील हो तो आई एम नॉट एग्री एनी थिंग अनलेस एनी थिंग आई फील अ लिटिल सरप्राइज्ड 94 i am very tired dash i have been working all day so i am very tired because i was i have been working all day 95 cold dash it was we went out correct answer is cold though it was we went out नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिवस यमुना इज रिलेटेड टू सॉरी आगरा इज़ रिलेटेड टू यमुना देन वाराणसी इज़ रिलेटेड टू सी आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे हैं एंड दिल्ली भी एंड जो वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन फाइंड आउट द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स ऑप्शन आर परमवीर चक्र अशोक चक्र वीर चक्र एंड महावीर चक्र तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑड वन जो है वो है अशोक चक्र बिकॉज जो परमवीर चक्र है वीर चक्र है एंड महावीर चक्र है ये गैलेंट्री अवार्ड है गिवन एट द टाइम ऑफ वॉर तो ये वॉर टाइम पर दिए जाते हैं और जो अशोक चक्र है कीर्ति है एंड शौर्य चक्र है ये तीनों चक्र पीस टाइम अवार्ड है नाइन्टी एट फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला एंड दिल्ली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली बिकॉज दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड बाकी तीनों स्टेट्स हैं नाइन्टी नाइन सेलेक्ट द लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आपको पता करना है कि ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी तो सी इसमें जी के बाद क्या आया है जो फर्स्ट लेटर है जी उसके बाद इसका जो सेकेंड है वो एच आया है जी के बाद तो जी के बाद इन्होंने लिखा है एच एंड आई के बाद जे ऐसे ही पी के बाद क्यू आएगा एंड आर के बाद एस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू एस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हंड्रेड क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एड्स इज रिलेटेड टू वायरस वेर एज मलेरिया इज रिलेटेड टू एड्स वायरस कॉज करता है एड्स एंड मलेरिया कॉज्ड होता है बाई प्रोटोजोअ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन हंड्रेड एंड वन क्वेश्चन अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम ये दो हजार उन्नीस एम एन इसमें आया था अमीबा इज बिलोंग टू द फाइलम प्रोटोजोआप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन जीरो टू विच ऑब न फोलोविंग इज अ वाइट फॉस्परस तो पी फोर इज नोन एज वाइट फॉस फॉस्फरस and the thermodynamically stable phosphorus have, i think black phosphorus this i covered in previous mock test question number 103 release of which of the following is the primary reason for the depletion of ozone layer so the correct answer is cfcs option c is the correct answer question number 104 which of the following molecule is joined by the double covalent bond करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन ओ टू जो है वो डबल ऑक्सीजन बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं एंड रिमेनिंग जो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये डबल ऑक्सीजन बॉन्ड कोवल इन बॉन्ड होता है इनमें देन वन जीरो फाइव विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस गैस ये इंपॉर्टेंट है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर वेपर्स जो सिक्सटी परसेंट जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वन जीरो सिक्स विच फिजिकल क्वान्टिटी इज मेजर्ड इन सियामस करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सॉरी देन वन जीरो सेवन एल्ली मेटल्स कैन एल्कली मेटल्स जो हैं वो इजिली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग एंड लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ब्रेन फीवर इज अ डिजीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोविंग जो ब्रेन फीवर है दो इट इज़ वायरल डिसीज बट इसमें पूछा है कि किसके थ्रू फैलती है करेक्ट आंसर इज मॉस्किटो एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉस्किटो दैट इज क्यूलेक्स सी यू एल ई एक्स क्यूलेक्स से फैलता है वन हंड्रेड एंड टेन जो मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो मैनग्रोव ट्रीज हैं और उनकी जो प्लांट्स पूछे हैं उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है ऑप्शंस आर मॉडिफाइड रूट्स होते हैं स्टेम्स होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स या रेस्पिरेटरी स्टेम्स तो एन में ये डायग्राम भी गिवन है मैनग्रोव ट्रीज़ का उसमें जो आपको दिखाए हैं नीमेटोफोर्स जो कि एक रेस्पिरेटरी रूट्स है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रेस्पिरेटरी रूट्स हैं जो जिनमें निमेटोफोर्स होते हैं मतलब पोर्स होते हैं जहाँ से वो रेस्पायर करती हैं क्योंकि वो स्वैम्प एरिया और वी कैन हेलो से हेलोफाइट्स एरिया जहाँ पर सॉल्टी एरिया वहाँ ग्रो करते हैं तो वो ईजिली रेस्पायर नहीं कर पाते विनीतदार तो इसलिए वो निमेटोफोर्स जो रेस्परेटरी मॉडिफिकेशन है उनका रूट्स का वो होता है उनमें क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड एलेवन द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमन टेनिसली इज़ कॉल्ड ये हर कोई कर देगा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमटेनियसली एक साथ होती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन नाउ दिस मे बी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन किसने डिस्कवर की है इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रुदरफोर्ड लेकिन ये वो रदरफोर्ड नहीं है कन्फ्यूज नहीं होना है ये रदरफोर्ड है डैनियल रदरफोर्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डैनियल रदरफोर्ड एंड जो रदर जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था दैट इज अर्नेस्ट रदर फोर्ड तो अर्नेस्ट ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस एंड डैनियल डिस्कवर्ड नाइट्रोजन ना क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टीन हैमाटाइट इज अ मिनरल ऑफ तो हैमाटाइट किसका और है करेक्ट आंसर इज आयरन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टीन इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द डज नॉट चेंज जब एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी ऑप्शंस आर स्पीड डिस्टेंस एक्सिलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सिलरेशन एक्सेरेशन चेंज नहीं होगा जो स्पीड है वो चेंज होगी क्योंकि उस पर अपोजिट फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ जी तो स्पीड चेंज होगी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी क्योंकि पोजीशन उसकी बदल रही है ऊपर जा रहा है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन स्कर्बी इज कॉज्ड बाय द डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन तो इजी क्वेश्चन है विटामिन सी एज कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ग्रीन कलर टू गैस करेक्ट आंसर इज क्रोमियम ऑक्साइड जो क्रोमियम ऑक्साइड प्रोड्यूजेज और इट गिव्स कलर्स टू द गैस क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड सेवनटीन इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस ये के से क्वेश्चन है एक्चुअली करेक्ट आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वेस्ट टू ईस्ट आपको ईजिली लर्न हो जाएगा जो अर्थ है वो बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ है ओनली द प्लान विच हैव लाइफ तो वेस्ट टू ईस्ट वन हंड्रेड एंड एटीन विच डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है रिएक्शन में ऑप्शंस आर चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ़ द रिएक्टेंट चेंजेस कैनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन डी मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंड रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड नाइनटीन रिंग वॉर्म विज इज अ डिसीज कॉज बाई जो रिंग वॉम है इट इज कॉज्ड बाई फंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन ट्वेंटी मैग्नीफेरा इंडिका एरा इज द साइंटिफिक नेम जो मैग्नीफेरा इंडिका है इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन सॉरी वन ट्वेंटी वन रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट्स लोअर नोट्स ऑफ द वेट रूट्स दैट रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक शुगर केन आर तो क्योंकि ये रेडियल से निकल रही नहीं है ये रेडियल से निकलती नहीं है रूट्स दीज आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट तो इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं बट शुगर केन के केस में इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट एडवेंटिशियस रूट्स हैं लेकिन इनका नाम क्या है जो नोड से निकलती है शुगर केन में स्टिल्ट रूट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड जो प्रॉप रूट है इट इज़ एन एडवेंटिशियस रूट्स इन बेनियन ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट्स क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू आइसूबार्ज एफ आइसू बार्ज क्या हैव सेम मास नंबर एंड बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स क्लियर एंड जो आइसोटोप्स हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्योंकि जो आइसोटोप्स हैं वो सेम एटम्स के होते हैं सेम एलिमेंट्स के होते हैं एंड आइसोबार्ज डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं question number 123, melachite is an ore or the mineral of mercury, option c is the correct answer. 124, why metal conduct electricity? so the correct answer is due to free electrons. option c is the correct answer because of free electrons, metals conduct electricity. 125, which of the following food gives instant energy to the athletes? this, i think you know. option b is the correct answer. glucose. वन ट्वेंटी सिक्स नेम द साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लांट्स हैव लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि जो प्लांट्स हैं उनके पास लाइफ है मतलब दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बासु। वन ट्वेंटी सेवन सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड दिस यू हैव टू कमेंट मिन द कमेंट बॉक्स वॉट इज सोडियम कैल्शियम सिलकेट इज कॉल्ड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन आइटम इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है बट इट डेट ऑक्सीजन सो द करेक्ट आंसर इज अमोनिया अमोनिया का जो फॉर्मूला है एनएच फोर या एनएच थ्री तो एन एच थ्री एन एच थ्री में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वन ट्वेंटी सिक्स वट इज द अर्थ एस्केप वेलोसिटी करेक्ट आंसर इज इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड मतलब इतनी वेलोसिटी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड फ्रे, से बाहर जाने के लिए क्वेश्चन नंबर वन थर्टी निमोनिया इफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन सॉरी विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी करेक्ट आंसर इज लंग क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन मैंडल इज नोन एज करेक्ट आंसर इज फादर ऑफ जेनेटिक्स यू ऑल नो मैंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक्सो नोन एज सुसाइडल बैक ऑफ द सेल तो लाइकोजोम इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स में ही हाइड्रोटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं पेप्टाइड कार्बो वन थर्टी थ्री विच एटमोस्फेयरिक लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर कौन सी एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन करती है ओजोन लेयर करेक्ट आंसर इज टेटॉस्फेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वन थर्टी फोर बिच ऑफ द फॉलोविंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी है करेक्ट आंसर इज एंगर मोमेंटम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वन थर्टी फाइव डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट दिस आई ऑलरेडी कवर्ड क्वेश्चन एक्चुअली जो डेंसिटी है वाटर की वो है मैक्सिमम फोर डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वन थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं उनमें है वेनस फ्लाई ट्रैप ड्रॉसेरा क्रिपेंसिस एंड यूट्रिकुलेरिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यूट्रिकुलेरिया वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रॉसेरा क्रिपेंसिस क्वेश्चन नंबर 137 डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं दिस यू हैव टू कमेंट मी द कमेंट बॉक्स ऑप्शंस आर यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स वन थर्टी नाइन विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है बिकॉज द क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी देन द आंसर इज पैनक्रियाज क्योंकि जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सी है ह्यूमन बॉडी की आंसर उसमें था थायरोयड भी ऑप्शन होगा तो थायरोयड भी आप टिक कर सकते हो क्योंकि जो थाइरॉयड है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में अगर लीवर ऑप्शन में नहीं है तो एंड आपसे पूछा गया कि जो लार्जेस्ट मिक्सड ग्लैंड है देन आंसर तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वट इज द इम्पल्स इक्वल्स टू इम्पल्स जो है इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वन फोर्टी वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ टू मार्सेज आर प्लेसड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज एफ वन अगर दो मास एयर मीडियम में प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ वन फिर पूछा है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द व्हेन दे आर प्लेस व्हेन दे वर प्लेस्ड इन द मीडियम और उनको इस सिस्टम को अगर हम मीडियम में लेके जाए मतलब इनके बीच में अगर हम मीडियम प्लेसड कर दें तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ऑप्शन आर बिकम ट्वाइस ऑफ एफ टू एफ वन हाफ ऑफ एफ वन रिमेन सेम एंड नन ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिमेन सेम क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू दिस मासम वन एंड एम टू टू मासिस पर डिपेंड नहीं करता एंड जो फॉर्मूला है उसमें भी कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट का जिक्र नहीं है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस तो कहीं भी डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या मीडियम का जो डेफिनेशन है वो नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम 142 फोर्टी टू लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन करेक्ट आंसर इज वैक्यूम। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम एंड साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम 143 फोर्टी थ्री क्लोरोफिल वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इन टू द सेल थ्योरी करेक्ट आंसर इज वायरस वायरस इज कंसिडर्ड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग बिटवीन द स्टेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज ये बाहर रहता है बॉडी के तो ये नॉन लिविंग है किस्टोलाइन फॉर्म में एंड जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इट बिकम्स लिविंग क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स नॉट अ अरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जो मेटल्स की जो टेंडेंसी है दैट इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फोर्टी वन फोर्टी सिक्स इथाइलीन इज अ डैश मॉलिक्यूल करेक्ट आंसर इज इथलिन इज अ नॉन पोलर ठीक है कोवेलिन बॉन्ड होते हैं इसमें तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इथाइलिन। 147 फोर्टी सेवन एफ वाटर स्मेल्स बेड देन दैट ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग अगर वाटर में से बदबू आ रही है तो उसका जो ऑर्डर है जो स्मेल है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय एक्टिवेटेड कार्बन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड मैंने आपको बताया था अगर वाटर में समस्ड पार्टिकल्स हैं उनको कॉकुलेट करने के लिए हम एलम उसमें ऐड करते हैं वाटर में फिट करी जिसे हम बोलते हैं वन फोर्टी एट वॉट डज ट्रिप्स इन डॉ ट्रिप्स इन रिलीज होती है एनजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट सिंथेसाइज सॉरी इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स वन फोर्टी नाइन नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन करेक्ट आंसर इज सिट्रिक एसिड ऑप्शन बी हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर मेक द वाटर वन वर्ड सब्सटीड्यूशन में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ पोर्टेबल जो पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसा वाटर दैट कैन बी फिट टू ड्रिंक ठीक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनफिट टू ड्रिंक अगर उसमें बैक्टीरिया ऐड है तो दैट इज़ अनफिट टू ड्रिंक बिकॉज इट कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ वॉटरबोन डिसीजेस नाउ लास्ट टेन क्वेश्चन विच आर मिसिंग विच वॉज मिसिंग इन दिस टेस्ट थर्ड तो उसमें बाय मिस्टेक मॉक टेस्ट थर्ड में टेन क्वेश्चंस मिसिंग थे काउंटिंग गलत हो गई थी तो इसलिए इस क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में मैंने टेन क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं उन्हें भी देख लेना एक बार फर्स्ट इज शी वर्ब सी क्वेश्चन है सी विल डैश न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे शी विल गेट यू ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर शी विल गेट यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे ही वॉज डैश बाय स्नेक ये पैसिव वॉइस है क्योंकि पहले सब्जेक्ट अगर होता है एक्टिव वॉइस तो स्नेक वॉज बाई हिम तो ही वॉज बिटन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक थर्ड थ्री क्वेश्चन आई हैव बीन डैश टू टेक टू बेक अ परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग कंटिन्यूस है तो इसमें क्या आ क्या जाएगा आई एम आई हैव बीन ट्राइंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली कितनी भी कोशिश कर लो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड मैंने ऑलरेडी बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको बताए हैं फिर भी बहुत टाइम लग जाता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में एंड पूरा मॉक टेस्ट कवर करने में क्वेश्चन नंबर फोर इज आई वुड डैश हिम ही इफ ही हैड एपोलॉजाइज आई वुड फॉर गिव हिम इफ ही हैड ऑपोलॉजाइज्ड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फिफ्थ इज डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ तो ड्रिंकिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जीके से ऑपरेशन वनीला इज रिलेटेड टू विच कंट्री दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये रिसेंटली किसी एग्जाम में भी आया है तो याद रख लेना जो ऑपरेशन वनीला है दिस इज रिलेटेड टू मेडागास्कर एंड इंडिया क्योंकि मेडागास्कर में जो फ्लड आया था उसमें हेल्प की थी इंडियन नेवी ने तो ऑपरेशन वनीला इज रिलेटेड टू मेडागास्कर एंड ऑपरेशन संजीवनी इज़ रिलेटेड टू मालदीव तो मालदीव्स एंड मॉरिशियस सॉरी मालदीव एंड मेडागास्कर में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन वनीला एंड संजीवनी ब्लैक राइस गॉट द जी आई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट करेक्ट आंसर इज मनीपुर ऑप्शन बी फीफा टू थाउजेंड ट्वेंटी जो दो हजार बाईस का जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो किस कंट्री में होगा करेक्ट आंसर इज कतर बट अब तो शायद ये पोस्टपोन्ड हो गया है 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप नाउ क्वेश्चन नंबर फोर वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए हैं अमेरिका से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने लिए हैं रशिया से तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर क्वेश्चन आए तो रशिया टिक करना है एंड फंडामेंटल राइट्स इज़ फ्रॉम यू आयरलैंड से हमने लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज़ तो आयरलैंड से लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो गई दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है बट फिर भी हमने कोशिश की जल्दी से कवर करने की सारे 160 सिक्सटी क्वेश्चन एंड Um, one more thing I want to thank to all of you those who are watching this video because you are very supportive thank you so much and okay tell me in the comment box what is the spelling of immense okay so this is end of the video guys thank you so much for your support and love toward this channel thank you.